गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। यहाँ पर पहले मैं आपको फोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आपकी क्वेरी है। ओपन योर बुक्स, कम टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। यस, रीड द क्वेश्चन। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ओके, PQ partners है, ratio है 2:1। They admit R into partnership for 4/9 sharing profit, which he acquires equally from P and Q. कौन admit हो रहा है? R. All right. कितने share के लिए? 4/9 share के लिए. Which he acquired equally from P and Q. ये कैसे acquire किया उसने? Equally. राइट, तो यहां से हमें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कह रहा है? आर ब्रिंग्स इन 2,50,000 एज कैश फॉर कैपिटल एंड 1,80,000 एज गुडविल। राइट, वैसे तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली भी बता सकते हैं आप तो। यस बेटा, जिस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं वही क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, बताइए कैसे करेंगे? शेयर एक्वायर्ड बाय आर फ्रॉम पी, कितना एक्वायर किया? 4/9 का हाफ, 4/80। शेयर एक्वायर्ड बाय आर फ्रॉम क्यू, 4/9 का हाफ, 4/18। ऑलराइट, 4/18 आर से लिया है, पी से लिया है, 4/18 क्यू से लिया है। रिमेनिंग शेयर निकालिए पी का। पी का ऑलरेडी कितना था? 2/3। कितना दे दिया? 4/18। टेक एलसीएम, 18 6 8/18। क्यू का निकालिए, क्यू का इज 1/3। कितना दे रहा है? 4/18। टेक एलसीएम, 18 6 माइनस 4 2/18। फाइंड आउट न्यू रेशियो, 8/18 पी, 2/18 क्यू, 4/9 आर। 8:2:8 न्यू रेशियो आ गया, और वी कैन से 4:1:4 न्यू रेशियो। फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यस, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो इज 2/3, न्यू रेशियो इज 4/9। टेक एलसीएम, 9 6 माइनस 4 2/9, क्यू 1/3 माइनस 1/9। टेक एलसीएम, 9 3 माइनस 1 2/9। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:2 और 1:1। देखो यहां से, तो जिस रेशियो में एक्वायर होता है वही क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गुडविल की एंट्रीज कीजिए। कौन सा केस है? न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। यस, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 2,50,000 एज कैपिटल, 1,80,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल इज 4,30,000। डिवाइड प्रीमियम फॉर गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 180 डिवाइडेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, विच इज इक्वली क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 22 था बच्चे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेंगे। कम टू 30th क्वेश्चन, रीड कीजिए 30th क्वेश्चन। बेटा साथ साथ नोटिंग करते रहिए अपनी प्रॉब्लम्स का।
फिर भी डाउट है तो व्हाट्सअप कर दीजिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 30, रीड कीजिए। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, रेशियो एबिटा 3:2। जी नया पार्टनर आ रहा है, जी पेइंग अ प्रीमियम ऑफ ₹1 लाख फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, दैट इज ₹1 लाख, और जी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर। व्हाइल एक्स एंड वाई एज बिटवीन देमसेल्फ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक्स एंड वाई ने क्या डिसाइड किया है, हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो यहां पर बच्चे हमें सबसे पहले न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी होगी। यस क्या टेक्निक लगेगी, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, ओके, जी शेयर 1/4, रिमेनिंग 1 माइनस 1/4 3/4, डिवाइड जी शेयर रिमेनिंग शेयर इन इक्वल रेशियो 3/4 × 1/2 3/8, वाई शेयर 3/4 इक्वली 3/8, न्यू रेशियो 3/8 जी इज 1/4, न्यू रेशियो इज 3:3:2। ये क्या आ गया बच्चे, न्यू रेशियो। दिस वन इज ओल्ड रेशियो, फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू एक्स का निकालिए, 3/5, न्यू इज 3/8, टेक एलसीएम 8 24 5 15 9/14। वाई वाई ओल्ड शेयर इज 2/5, वाई न्यू शेयर इज 3/8, टेक एलसीएम 40 8 16 15 1/40। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 9:1। न्यू रेशियो निकल गया बच्चे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने फाइंड आउट किया। 1 लाख गुडविल का प्रीमियम लेकर आ रहा है, जेट पेइंग अ प्रीमियम। नाउ पास द जनरल एंट्रीज। सबसे पहले लाने की जनरल एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हाउ मच, 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 1 लाख, 90,000 एंड इट्स 10,000, इट्स क्वाइट सिंपल। नाउ प्रोसीड करते हैं, कम टू 32। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन, वी अस्यूम गुडविल इज रिटेन्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कम टू 32, 30 सेकेंड ओपन कर लीजिए, रीड कीजिए बच्चे 30 सेकेंड में क्या कह रहा है, साथ साथ नोटिंग कीजिए 30 सेकेंड। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ओके, दे एग्री टू एडमिट जी हु गेट्स 1/3 शेयरिंग प्रॉफिट। जी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयरिंग प्रॉफिट। जी ब्रिंग्स इन 50,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। तो हम देख लें जी क्या लेकर आ रहा है, जी लेकर आ रहा है कैपिटल, कितने की कैपिटल लेकर आ रहा है, 50,000 एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। बेटा आप गुडविल फर्म की गुडविल दे रखी है तो क्या कीजिए, उसका शेयर निकाल लीजिए। हाउ मच इज फर्म्स गुडविल, इट्स 36,000 एंड न्यू पार्टनर शेयर इज 1/3, तो कितना लेकर आ रहे बच्चे, 12,000। जी इज ब्रिंगिंग 50,000 एज कैपिटल एंड 12,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। एक्स वाई एंड जी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या है ये, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज न्यू रेशियो। फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन।
रेश्यो फॉर एक्स 2/3 माइनस 1/3 1/3 वाई 1/3 1/3 वाई इज नाइदर गेनिंग नॉर सेक्रीफाइसिंग, जी इज गेनिंग, है ना बेटा, क्योंकि वो तो न्यू पार्टनर है. तो ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी गिवन टू एक्स बिकॉज ही इज ओनली अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अमंग एक्स वाई. ऑलराइट, डिस्ट्रीब्यूट. सबसे पहले लाने की एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. हाउ मच इज जीज कैपिटल? 50,000. हाउ मच इज गुडविल? 12,000. 62,000. डिवाइड प्रीमियम फॉर गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड हियर एक्स इज अलोन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल अकाउंट इज 12,000. किसको मिल जाएगा बच्चे? एक्स को मिल जाएगा. इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन देन गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस. हियर स्पेसिफिकली मेंशन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय होम. किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? क्या फुल अमाउंट? यस, एक्स विड्रॉ करेगा फुल अमाउंट. थर्ड एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक वर्थ रुपीज 12,000. जो एक्स को मिल रहा है वो एक्स ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया. बेटा वाई को मिल ही नहीं रहा था तो वाई विड्रॉ कहां से करेगा? गॉट इट? कम टू लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ योर डाउट्स. पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:3. ऑल राइट, नाउ टू पार्टनर्स आर एडमिट साइमल्टेनियसली. इफ दे आर एडमिट वन बाय वन तो आपको पी क्यू आर तक का काम करना होता, फिर पी क्यू आर के बाद एस को कंसीडर करना होता. हियर इट इज गिवन आर एंड एस आर एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4:3:2. ऑल राइट, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख. फैक्ट्स लिख लेते हैं सबसे पहले हम. 3 लाख गुडविल लेकर आर फर्म की गुडविल है. आर क्या कह रहा है? आर ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल. ओके, तो देख रहे हैं आर का शेयर कितना है. पी क्यू आर इट्स 3, 6, 10, 90,000. आर गुडविल लेकर आ रहा है कितना बच्चे? 90,000, क्योंकि उसका शेयर कितना है? 3 by 12. 7, 10, 12. 1/4 इट्स बच्चे 75,000. 1/4 ऑफ 3 लाख. ओके, चलिए आगे. आगे क्या कह रहा है? आर क्या लेकर आ रहा है? 2 लाख कैश फॉर कैपिटल. ओके, आर 2 लाख कैपिटल का भी ला रहा है. ये तो बेटा आर का था. एस का पढ़िए. एस ब्रिंग्स रुपीज 1 लाख कैश. ओके, एंड मोटर व्हीकल कितने के बच्चे? 80,000 एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. जो उसका गुडविल का शेयर है 3 लाख इंटू 2/12 50,000 गुडविल लेकर आ रहा है कैसे बच्चे? कैश. ऑलराइट, मैंने आर और एस की समरी लिख दी है. अब एक एक करके डील करो. सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या कोई नहीं भी कर रहा. पी का निकालिए. पी का ऑलरेडी कितना था? 2/5 करेक्ट. 7, 9, 10, 12 3/12 टेक एलसीएम. 60, 12 into 2, 24 माइनस 3, 21/6 इट्स 5, 15 इट्स 9/60. ओके, क्यू का निकाल लिया. 3/5 माइनस 4/12 टेक एलसीएम. 12 टेक एलसीएम. 60, 12, 36, 5, 20, 16
बाय 60। तो यहां पर हमारा क्या निकल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो डेट इज 9:16। ऑलराइट, ठीक है बेटा। अब हम आर का जो लेकर आ रहे हैं उसकी एंट्री करते हैं। करिए एंट्री मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट क्या क्या लेकर आ रहा है, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, 2 लाख, ओके। प्रीमियम फॉर गुडविल इज 75,000। कितना आगे बच्चे, 2,75,000। एस का बताइए आप, अब एस का आप कीजिए, क्या लेकर आ रहा है, कुछ तो कैश लेकर आ रहा है, एक मोटर बाइक लेकर आ रहा है, ओके। दोनों सेट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किसके लिए लेकर आ रहा है, कैपिटल के लिए, एस कैपिटल, और नेसेसरी अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर आ रहा है। ध्यान से मेरे साथ अमाउंट को फिल कीजिए, 1 लाख कैश ला रहा है, ओके। 80,000 मोटर व्हीकल ला रहा है, ओके। टोटल कितना हो गया, 1,80,000। 50,000 गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, कर दीजिए प्लस 50,000। यहां भी कितना आ गया, 50,000। ऑल राइट बच्चे, तो दो एंट्रीज पहले मैंने जो वो गुडविल और प्रीमियम कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी एंट्री कर दी। अब क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट मैम, जो दोनों का प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, 2P एक ही बार कर दीजिए, क्योंकि दो बार सेपरेट एंट्री सेम क्या करेंगे हम, 2P इज कैपिटल, 2Q इज कैपिटल। पहले इसका सम कर लीजिए, 75 + 50, इट्स 1,25,000, डिवाइड 1,25,000 इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ऑल राइट, यहां तक बेटा आपकी प्रॉब्लम्स जो थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब प्रोसीड करते हैं, आज हम क्या सीखेंगे, एक क्वेश्चन हम करेंगे जहां पर आप देख रहे होंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी कोई गेन कर रहा हो। बेटा कई बार हो जाता है ना कि उसे पहले कम मिल रहा हो और अब ज्यादा मिल रहा हो, तो वो क्या करेगा। दूसरा पार्ट हम करेंगे जब गुडविल वो काइंड में लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, क्या एंट्री करते हैं, और रिमेनिंग पार्ट हम कवर करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अपनी इलस्ट्रेशंस ओपन कर लीजिए, हम प्रोसीड करते हैं अभी। यस, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 45। बाकी अभी हम 5 मिनट बाद डिस्कस करते हैं, पहले ये करेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 45। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, पढ़िए। Are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1? Okay, A and B partners हैं, ratio है 4:1. Done. They admit C into partnership for 1/6 share. C is coming for 1/6 share and paying 20,000 for goodwill. New partner brings his respective share in of goodwill in cash. A, B and C decide their new ratio will be 3:1. Now pass the journal entry. Case simple hai beta. New partner goodwill kya kar raha hai? Cash mein lekar aa raha hai. Par yahan problem kya aa rahi hai? पार्टनर सेक्रीफाइस ना कर कर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है। आराम से देखिए, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, क्या बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ए का बताइए, ए का कितना होगा, 4/5, यस। न्यू क्या होगा, 3/6। नाउ टेक एलसीएम, 30
24 minus 15, it's 9 by 30, and his old ratio is greater than new ratio, he is sacrificing. B, 1 by 5 minus 2 by 6, again take LCM, 30, 6 minus 5 into 2, 10, he is gaining 4 by 30. फिर से देखिए, ए का 4 बाय 5 था, न्यू इज 3 बाय 6. एलसीएम लिया 24, 15, 9. यहां से निकालिए 36, 10, 4 बाय 30 गेन. अभी तक आपने क्या किया था, जो न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है उसे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट. बट यहां पर एक पार्टनर क्या हो रहा है, गेन. बेटा जो पार्टनर गेन हो कर रहा है वो भी कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. ये आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा है. तो ध्यान से मेरे साथ एंट्री कीजिए. सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री कीजिए. क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल इट्स रुपीज 20,000. ऑलराइट, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट. प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, बी क्या कर रहा है, गेन, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ऑलराइट, किसको कंपनसेट करना है, ए को, ए इज कैपिटल अकाउंट. ऑलराइट, यहां पर कितना 20,000. बाकी अमाउंट में आपको निकालना सिखाती हूं. पहले आप क्या निकाल लीजिए, फर्म की गुडविल. कैसे निकालेंगे, सी 1 बाय 6 के लिए आ रहा है. ऑल राइट, और कितनी गुडविल का शेयर है उसकी, 20,000. तो फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी बेटा, इसका रिवर्स, कितना 20,000 इंटू 6 बाय 1, दैट इज 1,20,000. गॉट इट. अब 1,20,000 इंटू 4 बाय 30, इसका गेन है, डेट इज बच्चे 16,000. और 120 में से 9 बाय 30 इसका सेक्रीफाइस है, डेट इज 36,000. तो बेटा एंट्री क्या बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट. 20,000 जो प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आ रहा है, 16,000 जो बी को मिल रहा है, दोनों कंपनसेट करेंगे किसको, ए को, क्योंकि ये पार्टनर भी गेन कर रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हमने यहां पर कैसे वर्किंग की, क्या निकाल लीजिए, फर्म की गुडविल. कैसे, इसका शेयर इसके साथ रिवर्स कर दीजिए. फर्म की गुडविल आने के बाद जो जो सेक्रीफाइस गेन कर रहा है उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई. यहां एक और चीज भी हो सकती थी, एक से ज्यादा पार्टनर गेन या सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो प्रोसीडिंग यही रहेगी, फर्म की गुडविल निकालो, गेन कर रहे हैं डेबिट करो, रिस्पेक्टिव शेयर से क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई. ये इलुस्ट्रेशन नंबर 45 है, कॉन्सेप्ट वही था, बस पार्टनर सेक्रीफाइस ना कर कर क्या कर रहे थे, बच्चे गेन कर रहे थे. अब हम एक क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन करेंगे जिसमें काइंड में लेकर आ रहा है पार्टनर. पढ़िए बेटा, कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर 36. 35 तक हमने कवर कर लिया था, 36 तक हम डिस्कस कर रहे हैं. पढ़िए बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है बेटा ए और बी का 7:5. ओके, ऑन 1st April 2017, सी न्यू पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए. ऑल राइट, न्यू रेशियो क्या हो गया सी के आने के बाद, 13:7:4. सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल. स्टॉक लेकर आ रहा है, डेटर्स लेकर आ रहा है, लैंड, प्लांट, कोई लाइबिलिटी भी हो सकता है, वो टेक ओवर कर रहे हो हम. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल फर्म की कितनी है, 7,50,000. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ उसका गुडविल का शेयर कितना है,
750,000 फर्म की गुडविल है। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए। तो बच्चे उसका गुडविल का शेयर कितना है? 1,25,000। ऑलराइट, 1,25,000 में से क्या करना है बच्चे आपको, ये असेट्स से आपको शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल लेनी है। ठीक है बेटा, देखो जो जो असेट लेकर आ रहा है इंडिविजुअल डेबिट करो। स्टॉक लेकर आया डेबिट कितने से? 60,000, करेक्ट। डेटर्स बच्चे 80,000 से। ऑल राइट, आगे चलिए। लैंड 2 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 से। ऑल राइट, किस चीज के लिए चार असेट? दो चीजों के लिए, कैपिटल का भी है इसी में और प्रीमियम फॉर गुडविल है। प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा हमें पता है कितना? 125। तो रिमेनिंग जो बच गया वो किसका है? कैपिटल का। एब्सोल्युटली करेक्ट, कितना? 3,35,000। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप यहां से क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग 1:3 आ रहा है, आप 1:3 में सैक्रिफाइस कर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कितना बचे? ओनली द अमाउंट ऑफ गुडविल 125 डिवाइडेड इंटू 1:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां पर पार्टनर असेट्स लेकर आ रहे हैं अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए, इसे बोलते हैं जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम ऑफ गुडविल इन काइंड। एक एक असेट्स को डेबिट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल हमें पता था, रिमेनिंग सीज कैपिटल का पोर्शन होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बेटा ये बात आपको अच्छे से पता है, अगर कोई गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है तो सबसे पहले आप प्रीवियस गुडविल को क्या कीजिए? राइट ऑफ कीजिए। किसमें राइट ऑफ कीजिए? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हम इसे क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? क्योंकि जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो पहले जो भी रिजर्व या इंटेंजिबल असेट्स थे उन्हें क्या करने हैं? हमें राइट ऑफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन AS 26 हम ओनली परचेज गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरनल जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा हमने हर जगह जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है वो कैपिटल से क्या करते जा रहे हैं? हम एडजस्ट करते जा रहे हैं, हमने कहीं भी गुडविल अकाउंट को रेज नहीं किया है। ऑलराइट, अगर न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आ रहा तो आप क्या करते हैं? उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लीजिए। यस, पर हम उसकी कैपिटल इंटेक्ट रखना चाहते हैं। अगर न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आ रहा तो हम एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट कैपिटल इंटेक्ट रखकर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हम इलस्ट्रेशन नंबर 38 डिस्कस करते हैं, पढ़िए। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ऑलराइट। ए एंड बी रेशियो है 3:2, ओके। सी पार्टनरशिप में आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। सी के आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:4:3। सी ब्रिंग्स इनटू बिजनेस 50,000 एज गुडविल, एज कैपिटल। 50,000 क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल। एंड कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है?
फर्म की गुडविल दे रखी है 48,000। ऑलराइट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा सबसे पहले हम क्या निकालें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेक्ट, ए का 3/5, न्यू रेशियो क्या है 5/12, टेक एलसीएम 60, 36 माइनस 25 11/60। बी का निकालिए 2/5 माइनस 4/12, टेक एलसीएम 60, 24 माइनस 24/60। ऑलराइट, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 11:4। कैपिटल लेकर आ रहा है, लाने की एंट्री कर दीजिए, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बचे 50,000। गुडविल लेकर नहीं आ रहा, क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितनी गुडविल का, फर्म की गुडविल कितनी है 48,000। न्यू पार्टनर का शेयर 1/4, इट्स 12,000, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 11:4 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर बस प्रीमियम नहीं लेकर आ रहा, इसलिए वर्ड क्या लिख दिया, सी इज करंट, करंट सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। प्रोसीड करते हैं, पढ़िए 39 वर्बली करते हैं, के के मफिन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। सबका खाने का मन कर रहा होगा। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट कुकी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, और न्यू रेशियो क्या है 3:1। गुडविल कैसे निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। देखते हैं किस किस को कंसेप्ट याद है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर स्टेप 4। यस, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, फाइंड आउट देयर कैपिटलाइज वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फाइंड आउट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइंड आउट गुडविल, हाउ स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3। आपके पास 3 ईयर्स की प्रॉफिट गिवन है, ऑलराइट, असेट्स गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है, रिजर्व गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 13% है, कुकी कैपिटल लेकर आ रही है पर गुडविल का शेयर लेकर नहीं आ रही है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है, फॉर्म की गुडविल निकालें। यस, वर्बली निकालिए, 2014 का प्रॉफिट 39,000, एबनॉर्मल लॉस है एड कर दीजिए 83,000, 15 का प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन है माइनस कर दीजिए 16 में 72,000 का प्रॉफिट है, ले लिया आपने, एवरेज निकालिए इसका, स्टेप नंबर 2 कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए, ये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 65,000 अपॉन 13 × 100, ये कैपिटलाइज वैल्यू हो गई एवरेज प्रॉफिट, करेक्ट। उसके बाद आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, डू यू रिमेम्बर, यस, असेट्स माइनस लाइबिलिटी और कैपिटल प्लस रिजर्व, असेट्स माइनस लाइबिलिटी 8 लाख की असेट्स है और लाइबिलिटी है 360,440, कैपिटल से निकाल के देखिए 4 लाख और 40,440। ऑलराइट बच्चे, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गई 440, आप कैपिटलाइज वैल्यू 8 लाख 5 लाख में से 440 को क्या कीजिए माइनस, फर्म की गुडविल आ गई कितनी 60,000, न्यू पार्टनर का शेयर 1/6, कैपिटल लेकर आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज कैपिटल 2 लाख, और बच्चे गुडविल नहीं लेकर आ रहा तो क्या एंट्री होगी, कुकीज करंट अकाउंट डेबिट टू केक्स कैपिटल अकाउंट टू मफिन्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी 10,000 गुडविल का शेयर है किस रेशियो में बांट दीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कोई भी केस आ जाए, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है तो सबसे पहले आप उस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो एंड क्रेडिटेड गुडविल का अकाउंट, आप सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे,
फिर फर्म का क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 43 पे आ जाइए, 43 पर आ जाइए। क्या कह रहा है 43rd इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 43rd। यस पढ़िए, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ऑल राइट, रेशियो है 3:2, सी इज एडमिटेड एज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विच ही टेक्स 1/6, ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम ए, ऑफ नहीं कह रहा, 1/12 फ्रॉम बी, सी ब्रिंग्स गुडविल 50,000 आउट ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 90,000, कोई गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं कर रही है। तो बेटा यहां पर हम प्रोसीड करते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, 50,000 की गुडविल लेकर आ रहा है और नया शेयर कितना था 90, इसको बोलते हैं एक पार्ट गुडविल का कैश में लेकर आ रहा है। दो तरीके हैं, पहले जो लेकर आ रहा है उसका ट्रीटमेंट कीजिए, फिर जो नहीं लेकर आ रहा उसका ट्रीटमेंट कीजिए, और कंबाइंड ट्रीटमेंट भी मैं आपको सिखाती हूं। देखिए 1/6 फ्रॉम ए है, 1/12 फ्रॉम ए है, दोनों का टोटल करोगे 1/4 बनेगा, डायरेक्टली अपने में से क्या कर दीजिए माइनस, करेक्ट, ए का निकालिए 3/5 और कितना दे रहा है ए उसमें से 1/6, टेक एलसीएम 18 माइनस 5 13/13, फाइंड आउट बी 2/5 माइनस 1/12, टेक एलसीएम 60 24 माइनस 5 19/60, फाइंड आउट न्यू रेशियो 13/30 19/60 एंड 1/4 मीन्स 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको भी करिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 26 19 एंड बच्चे 15 इज न्यू रेशियो। फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो साइमल्टेनियसली, यस, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, ऑल राइट, ए का न्यू रेशियो क्या है 26/60, टेक एलसीएम 60 12, 36 माइनस 26 10/60, बी का निकालिए 2/5 माइनस 19/60, टेक एलसीएम 60 12 24 माइनस 19 5/60, तो रेशियो 10:5 और वी कैन से 2:1। यहां से डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे कि ए से कितना ले रहा है और बी से कितना एक्वायर कर रहा है 2:1 में, दोनों जगह से देख लीजिए। आगे चलते हैं, यहां पर तो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तक का काम हमने कर लिया, आगे चलते हैं बेटा, सबसे पहले जो गुडविल लेकर आ रहा है उसका काम कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है 50,000, करेक्ट, क्या करते हैं अगली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, जो लेकर आ रहा है 50,000 को किस रेशियो में बांट दीजिए 2:1, ऑल राइट, ये तो लाने की बात हो गई, जो नहीं लेकर आ रहा है उसकी क्या एंट्री करते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000 नहीं लेकर आ रहा 2:1 में बांट दीजिए। बेटा आप एक काम और भी तो कर सकते हैं, देखो यहां ए और बी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों की क्या कर सकती हूं, करेक्ट साइमल्टेनियसली कंपाउंड एंट्री, जो अमाउंट लेकर आ रहा है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जो नहीं लेकर आ रहा उसके लिए सीज करंट डेबिट, कितना लेकर आ रहा है 50, करेक्ट, कितना नहीं लेकर आ रहा 40, और अब इसको एक बार बांट दीजिए किसमें, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल,
पार्टनर को चाहे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से करे और नहीं लेके आए तो सीज करंट 90,000 इंटू 2/3 60,000 90,000 इंटू 1/3 दैट इज 30,000। तो ये क्या होगी बच्चे कंबाइंड एंट्री। जो अमाउंट लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल में डाल दीजिए, जो नहीं लेकर आता न्यू पार्टनर करंट और दोनों का सम करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बेटा यहां पर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल मॉर्निंग तक आपकी क्वेरी व्हाट्सएप हो जानी चाहिए अप टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स इंक्लूड कर दूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।